हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम आप लोगों को हिंदी साहित्य का दूसरा मॉडल पेपर लेके आए हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो जूनियर सुपर टेट 2021 हो या टीजीटी हो या पीजीटी हो, कोई भी एग्जाम हो जिसमें हिंदी साहित्य से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता हो, तो इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए देर न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा गाइस, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं पहला क्वेश्चन। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए आदिकाल, ऑप्शन बी वीरगाथा काल, ऑप्शन सी चारण काल, ऑप्शन डी सिद्ध सामंत काल। इसका सही उत्तर होगा गाइस, जल्दी जल्दी बताइए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी वीरगाथा काल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, वीरगाथा काल का कवि नहीं है। वीरगाथा काल का कवि नहीं है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए चंद्रबरदाई, ऑप्शन नंबर बी नामदेव, ऑप्शन नंबर सी जगनिक, ऑप्शन नंबर डी मधुकर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी नामदेव। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी नामदेव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री, वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए चंद्रबरदाई, ऑप्शन बी जगनिक, ऑप्शन सी दलपत विजय, ऑप्शन डी विद्यापति। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए चंद्रबरदाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर, कबीरदास की भाषा थी। ऑप्शन ए ब्रज, ऑप्शन बी कन्नौजी, ऑप्शन सी सधुक्कड़ी, ऑप्शन डी खड़ी बोली। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सधुक्कड़ी। कबीरदास की बोली क्या थी, सधुक्कड़ी थी, जिसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पंचमेल खिचड़ी भी कहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए जयदेव, ऑप्शन बी चंद्रबरदाई, ऑप्शन सी जगनिक, ऑप्शन डी विद्यापति। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी चंद्रबरदाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स, शिव बावनी के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए पद्याकर, ऑप्शन बी भूषण, ऑप्शन सी केशोदास, ऑप्शन डी जगनिक। इसका सही उत्तर होगा गाइज ऑप्शन नंबर बी भूषण। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज, ध्यान से देखिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेवन, हिंदी कविता को छंदों की पारिधि से मुक्त कराने वाले कौन थे। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए सुमित्रानंद पंत, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसका सही उत्तर होगा गाइस ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आठ, तितली किसकी रचना है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, हर बार पूछा जाता है, तितली किसकी रचना है। ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी श्याम सुंदर दास, ऑप्शन डी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन, अतीत के चलचित्र के रचयिता हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट गाइज, ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी सुमित्रानंद पंत।
इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, महादेवी वर्मा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। पल्लो के रचयिता हैं ऑप्शन ए सुमित्रानंद पंत, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी निराला। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सुमित्रानंद पंत। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सुमित्रानंद पंत। चिंतामणि के रचयिता हैं ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी हरिओद। जल्दी बताइए गाइस, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। जनमेजय नागयज्ञ किसकी कृति है ऑप्शन ए सेठ गोविंद दास, ऑप्शन ए सेठ गोविंद दास, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी लक्ष्मी नारायण लाल, ऑप्शन डी गोविंद वल्लभ पंत। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर तेरह आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं। अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं, तो इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए देश विशेष, ऑप्शन बी क्षेत्र विशेष से, ऑप्शन सी लोक विशेष से, ऑप्शन डी जाति विशेष से। इसका सही उत्तर होगा गाइज क्षेत्र विशेष से, ऑप्शन बी क्षेत्र विशेष से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर चौदह निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि हैं ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी कबीरदास, ऑप्शन सी तुलसीदास, ऑप्शन डी केशवदास। एक बार फिर से ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी कबीरदास, ऑप्शन डी केशवदास। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कबीरदास। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में सबसे पहली अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी। बहुत ही मोस्ट वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी। ऑप्शन ए श्याम सुंदर दास, ऑप्शन बी सेठ गोविंद दास, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। इसका सही उत्तर होगा गाइस ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। श्रद्धा किस कृति की नायिका हैं। चलिए देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए कामायनी, ऑप्शन नंबर बी कुरुक्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी रामायण, ऑप्शन नंबर डी साकेत। इसका सही उत्तर बताइए गाइस, जल्दी बताइएगा। एक बार ऑप्शन फिर से देख लीजिए, ऑप्शन ए कामायनी, ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र, ऑप्शन सी रामायण, ऑप्शन डी साकेत। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कामायनी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। भूषण की कविता का प्रधान स्वर है ऑप्शन ए व्यंगात्मक, ऑप्शन बी प्रशस्तिपरक, ऑप्शन सी श्रृंगारिक, ऑप्शन डी कारुणिक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी प्रशस्तिपरक। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता हैं ऑप्शन ए पुष्पदंत, ऑप्शन बी शालभद्र सूरी, ऑप्शन सी स्वयंभू, ऑप्शन डी हरिभद्र सूरी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पुष्पदंत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 19। प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता हैं ऑप्शन ए नूर मोहम्मद, ऑप्शन बी जायसी, ऑप्शन सी मुल्ला दाऊद, ऑप्शन डी कुतुबुन। इसका सही उत्तर होगा गाइस ऑप्शन नंबर सी मुल्ला दाऊद।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं। हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं, ऑप्शन ए राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ऑप्शन बी लल्लूलाल, ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन डी बालकृष्ण। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी लल्लूलाल। ओके गाइस, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपको और कुछ पूछना हो तो आप कमेंट लिख के पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।